वेलकम एवरीवन, स्वागत है हिंटू हार्ट में आप सबका। आज की रेसिपी स्पेशली बच्चों के लिए है। बच्चे अक्सर हेल्दी फूड नट्स वगैरह खाना अवॉइड करते हैं, तो इस तरह से बना कर खिलाओगे आई एम श्योर वो इनकार नहीं करेंगे। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट नट्स के साथ मैंने लिया है यहाँ पे डेट्स यानी खजूर, बादाम, ये रोस्टेड मूंगफली जिसके छिलके निकाल कर हम नट कटर से कट कर लेंगे, काजू, अखरोट, पिस्ता, मेलन सीड्स और साथ में लिया है मैंने किशमिश, तिल, खसखस, ओट्स। ओट्स भी बहुत हेल्दी होते हैं, बच्चे अक्सर अवॉइड करते हैं। हनी लिया है और भी चीज़ आप जो आपको पसंद हो ऐड कर सकते हो, जैसे अंजीर, यहाँ पे बटर और घी लिया है। और इंग्रेडिएंट्स में गुड़ लिया है, मखाने, चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर, मिल्क पाउडर। आउटर लेयर के लिए हमें चाहिए चॉकलेट स्लैब में डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट जो आती है, और कुछ चोकोस बच्चों के फेवरेट। सबसे पहले तो नट्स और ड्राईफ्रूट्स को नट कटर से कट कर ले, और ये खजूर है उसकी पेस्ट बनानी है तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर मिक्सर जार में हम पेस्ट बना लेंगे। एक पैन में लेंगे 2 चम्मच बटर और 2 चम्मच प्योर घी। सबसे पहले खजूर की पेस्ट ऐड करके हम सॉफ्ट करेंगे, और जब तक ये सॉफ्ट होती है हम मिक्सर जार में मखाने, मेलन सीड्स और ओट्स को पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर रेडी है। खजूर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे गुड़, और गुड़ पिघल जाए तो सारे इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर देंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। सबसे पहले ओट्स का जो पाउडर रेडी किया था मखाने और ओट्स का, फिर ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर और मिल्क पाउडर, सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अभी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। डेट्स को यानी खजूर को सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी इसलिए यूज़ किया है कि अगर लंबे तक इसको स्टोर करते हो तो भी बिगड़ता नहीं है। गैस ऑफ करने के बाद हनी ऐड करेंगे हम करीब 2 से 3 चम्मच। हनी को गरम गरम ऐड करना नहीं चाहिए, इसके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। फिर आधा जो बैटर है उसको मैंने इस तरह से टिन में स्प्रेड कर दिया है, और आधे बैटर में से हम बनाएंगे छोटे छोटे बॉल्स जो कि हमें लॉलीपॉप बनाने हैं। इस तरह से जब सारे बॉल बन जाए तो इसको हम फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमें इसके ऊपर चॉकलेट का कोट करना है। ये रेडी है बोल फ्रिज में रखने के लिए 10 मिनट। जब तक ये ठंडे हो हम इसको अनमोल्ड कर लेते हैं, और इसमें से छोटे छोटे बार यानी छोटे छोटे पीस कट कर लेते हैं। तो ये रेडी है कट कर कर। अभी जो चोकोस लिए थे हमने उसको हम मिक्सर जार में क्रश कर लेंगे, और जो दोनों स्लेब लिए थे उसको हम मेल्ट कर लेंगे। अभी फाइनल लॉलीपॉप बना लेते हैं। तो ये मैंने डिप किया वाइट चॉकलेट में, और फिर इसको हम जो चोकोस का पाउडर है उसमें कोट करेंगे। चोकोस के पाउडर की वजह से बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। आप इसकी जगह बॉर्नविटा जैसा कुछ
जो पाउडर चॉकलेट पाउडर हो वो भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से टूथपिक की मदद से आप लॉलीपॉप बना लीजिए। देख सकते हो आप, ये रेडी है। यहाँ पर मैंने कुछ व्हाइट चॉकलेट में प्लेन रखा है और कुछ कोट करके, देख सकते हो आप। अभी डार्क चॉकलेट में भी बना लेते हैं लॉलीपॉप। आप अगर चॉकलेट कोट नहीं करना चाहते तो इस तरह से भी कर सकते हो। अभी मेल्टेड डार्क चॉकलेट में डिप करेंगे और इसको भी हम कोट करेंगे चोकोस के पाउडर में। अभी जो ये हमने छोटे छोटे पीस कर कर रखे थे उसको भी हम डिप कर लेंगे चॉकलेट में। मार्केट से जब हम नट्स वाले कैडबरीज खरीद कर लाते हैं बस ये इसी तरह से बन जाएंगे। अपनी मर्जी के हिसाब से गार्निश करें। यहाँ पे मैंने सिल्वर बॉल्स ऐड किए हैं, कुछ में ये पॉपी सीड्स यानी खसखस, और किसी किसी में इस तरह से चोकोस का पाउडर जो रेडी किया था वो स्प्रेड किया है। तो ये रेडी है चॉकलेट बार, चॉकलेट लड्डू और ये लॉलीपॉप। बच्चों के हाथ में अगर मिल्क भी नहीं पीते तो ये थमा दीजिए, आप भी खुश बच्चे भी खुश। ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, और मैंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी रेसिपी अब तक